हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, जिसका रिन्यूअल 30 अप्रैल से पहले पहले अगर आप करवा लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, और 1 मई के आसपास या 1 मई के बाद करवाते हैं या 30 अप्रैल के बाद करवाते हैं तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 30 अप्रैल से पहले करवाने वाले और 1 मई के बाद करवाने वालों में बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट दिया गया है सरकार के थ्रू। सरकार की तरफ से अगर आप 30 अप्रैल से पहले इसका रिन्यूअल करवा लेते हैं तो आपको हाफ रेट में आपको पड़ जाएगा, और अगर आप इसको 1 मई के बाद करवाते हैं तो आपको इसमें पूरा 850 का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो इसका रिन्यूअल कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले अपनी SSO ID से लॉग इन हो जाएंगे SSO ID पर, और वहाँ पर जाकर आप अगर आप मित्र यूज़र है तो भी, और आप नॉर्मल यूज़र है, आप घर से घर बैठकर करना चाहते हैं तो भी, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं, आप अपनी SSO ID पर लॉग इन हो जाइए। और SSO ID पर लॉग इन होने के बाद में जो सबसे पहला फर्स्ट पेज आता है उस पर एक एप्लीकेशन, 3 टैब आते हैं, रिसेंट टैब्स, एप्लीकेशन एंड बिल पेमेंट्स। तो एप्लीकेशंस पर आप जाकर सर्च बार में टाइप कर सकते हैं CHIR, बस इतना लिखते ही आपके सामने चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस तरह का एक टैब आ जाएगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी मिलती है। तो इस पर टाइप करने के बाद आपको सेंड एनीवे ऐसे कुछ टाइप का इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट पोर्टल पर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पोर्टल पर। यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी योजना, इस तरह का टैब मिलेगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले अगर आपको रिन्यूअल करना है तो रिन्यू चिरंजीवी पॉलिसी, इस तरह का एक ऊपर को लिख रहा होगा इस पर। इसके बाद में अगर आप फ्री अदर पेड आप चेक करना चाहते हैं आपका किसमें है तो ये भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद में आपको रिन्यू चिरंजीवी पॉलिसी इस पर टैप करना है। इसके बाद में अदर पेड इस वाले सेक्शन पर टैप करना है, और इसके बाद आई एग्री के टर्म एंड कंडीशन को टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद में आपको सामने एक पेज ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे एनरोल करने के, जनाधार ID, जनाधार नंबर और आधार कार्ड। आप तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी जनाधार के थ्रू। तो यहाँ पर आपका जनाधार अप टू डेट होना चाहिए, तो तुरंत आपकी डिटेल यहाँ पर पैच हो जाएंगी, जैसा कि हम आपके सामने डिटेल्स डाल कर दिखाएंगे, तुरंत यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी उस बंदे की, जिस बंदे का हम जनाधार ID यहाँ पर डाल रहे हैं। और उसके बाद में आपको पे फॉर पॉलिसी 850 प्रीमियम फिलहाल के लिए चल रहा है, तो 850 प्रीमियम का अगर हो और 30 अप्रैल से पहले करेंगे तो 425 रुपीज़ का आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो अगर आप 30 अप्रैल के बाद करते हैं तो 850 का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, और 30 अप्रैल से पहले करते हैं तो आप 425 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और 1 साल के लिए रिन्यूअल आपका आगे हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, और आपको बेनिफिट है 425 रुपीज़ का, और रेगुलरली आपके लिए बीमा चलता रहेगा। तो आप इस तरह की योजना का लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ वही जानकारी लाते हैं जो आपके काम की है, फालतू जानकारी हम इस चैनल पर नहीं देते। तो इस तरह के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके काम कोई चीज़ आ रही है तो उसको, और हाँ उसको आप सब्सक्राइब करके रखने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है कोई, अगर और आपको इस जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और 30 अप्रैल से पहले पहले अपनी जो पॉलिसी है उसको रिन्यूअल करवा लें, अगर आप पेड वाले में हैं तो, अगर आप NFSA वाले हैं तो आपको रिन्यूअल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेड वाले हैं, 850 का प्रीमियम आपने पिछले साल पर